नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी में। और आप सभी को थंबनेल देखकर पता ही लग गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर कि कैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो, चाहे आप एचएस की तैयारी कर रहे हो या फिर एलाइड सर्विसेज की, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर आता है, ठीक है। तो कैसे आप उसके क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर के, इसके एक ही की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, 3-4 साल के प्रीवियस के आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है, ठीक है, बट शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। एग्जाम में जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं क्योंकि आपको एक पैटर्न का पता चल जाता है कि आपको किस तरह से पढ़ना है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा क्योंकि आई थिंक सभी को क्वेश्चन पेपर्स की जरूरत होती है। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिनको, जो या तो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या फिर आउटर स्टेट के हैं, मैक्सिमम को ज्यादा पता नहीं होता कि कहाँ से क्वेश्चन पेपर लेने हैं, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी का लिंक वो क्लिक कर लेते हैं या फिर कहीं पर लिखा होता तो गलत इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। मैक्सिमम को आई थिंक पता होगा कि कहाँ से डाउनलोड करने हैं, बट जिनको नहीं पता है तो वो इस वीडियो को जरूर देखें और शेयर करें क्योंकि सभी को जरूरत होती है। बाकी तो अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी हार्ड वर्क कर रहे हो उसी से एग्जाम में सिलेक्शन होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन पेपर 3-4 साल के पढ़ लोगे तो एग्जाम की सिलेक्शन हो जाएगी, बट आपको एक पैटर्न पता लग जाता है कि कौन से सेक्शन से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मुझे एलाइड का आप बोल रहे थे तो यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको एलाइड के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने की, ठीक है, कैसे आप उसके भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने गूगल में, ब्राउजर सभी यूज करते हैं, ठीक है, तो HPPSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, HPPSC शॉर्ट फॉर्म लिखना है आपको और सर्च करना है। तो आपके पास जो पहला लिंक आएगा आपको उस पर क्लिक करना है, तो आपके पास इस टाइप का एक पेज खुल जाएगा, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको सभी दिया गया है, होम, जनरल ऑर्गेनाइजेशन, नोटिफिकेशन, ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन, जो भी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट निकलती है उसके लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बट ये फर्दर चीजें हैं, हम आज बात करने वाले हैं क्वेश्चंस पेपर की। तो आपको नीचे जाना है और यहाँ पर देखिए लिखा है सिलेबस एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर आप सिलेबस, जो भी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम निकलते हैं, चाहे वो HS का है, ठीक है, ज्यूडिशियल सर्विसेज का है, एलाइड सर्विसेज का है, नायब तहसीलदार का है, तो आप सभी के यहाँ पर सिलेबस चेक कर सकते हो और साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। तो पहले दिया हुआ है सिलेबस, ठीक है, हर एक पोस्ट के लिए जो भी एग्जाम निकलते हैं आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि कौन से पोस्ट के लिए क्या सिलेबस है, ठीक है। फिर आप ये जब चेक कर लोगे, ठीक है, तो आज तो हम सिलेबस के बारे में बात नहीं कर रहे हो, बट आपको मैंने बता दिया कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फिर बात करते हैं क्वेश्चन पेपर्स की। तो यहाँ पर पहले दिए गए हिमाचल प्रदेश ज्यूडिशियल सर्विसेज के यहाँ पर प्रीलिम के, मेंस के, प्रीलिम मेंस 2015, 2016, 2014 के यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं मेन HS की, ठीक है, यानी कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज HPAS। तो यहाँ पर 10, 11, 13, 14, 16, ठीक है, यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ से आप ये जो प्रीलिम लिखा गया है, फिर नीचे मेंस के भी हैं, तो आप उनके सभी के डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर दोनों लैंग्वेजेस में दिए गए हैं। मान लीजिए आपको इंग्लिश में डाउनलोड करना है तो आप इंग्लिश पे क्लिक कर सकते हैं, हिंदी में तो हिंदी पे यहाँ पर क्लिक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दिखा देता हूँ प्रीलिम का, जैसे कि अगर हम डाउनलोड करें, अब अगर हम हिंदी में डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको जब जैसे हिंदी के लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप का। तो आप यहां से देख सकते हैं ये आपके पास क्वेश्चन पेपर है HPAS का, ठीक है, प्री का डी सीरीज है, पर क्वेश्चन तो सभी में सेम होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, सभी क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है, और जो टोटल क्वेश्चनों की जो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस हैं या टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या है वो 100 है, ठीक है। तो यहां पर 100 क्वेश्चन आते हैं आपको जीके के, ठीक है। साथ ही साथ आप अगर इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आपको यहां पर जाकर इंग्लिश वाले लिंक पर क्लिक करना है और साथ ही साथ आपको जो मिलेगा वो इंग्लिश में मिल जाएगा, जो भी इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी वाले लिंक पर क्लिक कीजिए। तो आपको यहां से दोनों मिल जाएंगे आपको, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है, और आप ऐसे ही एप्टीट्यूड के भी डाउनलोड कर सकते हो जो भी आपको करना है। ऐसे ही आप फिर मेंस के कर सकते हो 2015, 14, 13, 12, 11 जिनके भी यहाँ दिए हुए हैं उनके आप डाउनलोड कर सकते हो। एलाइड सर्विसेज की बात करें तो आप एलाइड सर्विसेज का, जैसे मेन का एग्जाम ये है, प्री के दिए हुए हैं, जैसे हम अगर प्री की एक बात करें तो यहां पर हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो ये है एलाइड सर्विसेज का प्री का, ओपन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है,
तो ये हमारा प्री का है, जो ये देखिए ये अलाइड सर्विसेज का है, दोनों इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों में मिलेंगे इसमें। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में लगभग दो भागों में बांटती है, ठीक है, तो ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो, अलाइड के हों चाहे आपके हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हों, वैसे ही नायब तहसीलदार के आप प्री और मेंस यहाँ पर चेक कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो बहुत से एग्जाम्स के यहाँ पर दिए गए हैं प्री, ठीक है, जो भी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर आते हैं, सभी एग्जाम्स के यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, तो आप दो डाउनलोड कर सकते हो और वैसे ही तैयारी अपनी रख सकते हो कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं थी, बट मेरा आपको सिर्फ बताने का मोटिव यही था कि बहुत से लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर उनको नहीं मिलते हैं, तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसकी एक ड्रॉबैक है कि आपको यहां पर क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर नहीं मिलेंगे, ठीक है, कोई भी आपको आंसर नहीं मिलेगा क्वेश्चन पेपर के साथ, तो आंसर के लिए आपको अलग से जो आंसर कीज का यहाँ पर ऑप्शन है ऑफिशियल वेबसाइट पर, उस पे जाकर क्लिक करना पड़ेगा। आंसर की वाले पर जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको आंसर की का अलग पेज खुल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सभी की आंसर कीज मिलेगी, तो आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा एग्जाम की कहाँ पर दी गई है, और उस हिसाब से आप मेल कर सकते हो, मतलब उसको मिला सकते हो। बट अगर मैं आपको सजेशन दूं, ठीक है, अगर आप करो तो सबसे बेस्ट ये होगा कि आप यहाँ से क्वेश्चन नोट करें और उसको बुक के थ्रू या नेट के थ्रू सर्च करें। इससे क्या होता है कि आपको थोड़ी तैयारी उसी टाइम जब आप सर्च कर रहे होंगे उसी समय आपकी जो है तैयारी, आपको क्वेश्चन आधे से ज्यादा याद हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे एज कम्पेयर टू कि आप आंसर की देख के उस पर टिक लगाएं। बाद में बेशक चेक कर लीजिए, बट पहले जो क्वेश्चन सर्च कीजिए वो अपने नेट के थ्रू या फिर आप बुक्स के थ्रू सर्च कीजिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ना कीजिए वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ये वीडियो इतनी भी ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेटिव नहीं थी, जस्ट बताना था कि क्वेश्चन पेपर आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत से कुछ जरूरत होती है, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच।